वीरवार को प्रदेश भर की विज्ञान विषय की शिक्षिकाओं के लिए शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 60 शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान उपस्थित शिक्षिकाओं को बताया गया कि किस तरह से विज्ञान विषय को रोचक और प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के तत्वावधान में विज्ञान शिक्षिकाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश भर से करीब 60 विज्ञान शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान विभिन्न विशेषज्ञों ने शिक्षिकाओं को बताया कि कैसे वे विज्ञान विषय को रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ा सकती हैं, ताकि विज्ञान विषय के प्रति बच्चों की रुचि बढ़े। इस दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन नोटियाल ने बताया कि अधिकतर लोग विज्ञान विषय को काफी जटिल समझते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान काफी रोचक है। डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि विज्ञान द्वारा मनुष्य की जिज्ञासाओं को शांत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका सही ना होने की वजह से बच्चे विज्ञान से दूर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के दौरान सभी शिक्षिकाओं को विज्ञान विषय को सही तरीके से पढ़ाने के गुर सिखाए गए। चंद्रमोहन नोटियाल ने बताया कि कार्यशाला को आयोजित करने का उद्देश्य यही था कि विज्ञान विषय के अध्यापक किस तरह से बच्चों को रोचक और प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। साल की जो हमारा जो नेशनल साइंस डे है, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है, इस बार उसकी थीम वुमेन साइंटिस्ट है, यानी महिला वैज्ञानिक। तो यहाँ जो आज वर्कशॉप हो रही है, इसमें करीब 60 लोग हैं, 60 महिलाएं हैं जो अध्यापिकाएं हैं मूलतः, और ये महिलाएं हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि इस बार की थीम महिला वैज्ञानिक की है, तो विशेष रूप से मैं समझता हूँ ये इसलिए महिला अध्यापिकाओं को यहाँ पर बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश से हैं, और इनको जो बताया जा रहा है वो साइंस टीचिंग को कैसे और ज़्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग और प्रभावी बनाया जाए, इसके बारे में इनको एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि साइंस को आमतौर पर लोग बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। साइंस को बहुत रोचक सब्जेक्ट है। साइंस हमारी इतनी सारी जिज्ञासाओं की शांति करता है, तो साइंस को बोरिंग तो नहीं कहा जा सकता। शायद हम लोगों के पढ़ाने का जो तरीका है, उस तरीके में शायद कुछ ऐसा है कि हम इसको बहुत रोचक नहीं बनाते और बच्चे इससे थोड़ा सा रिपल्स होते हैं। तो इस वर्कशॉप में इनको टीचर्स को ये बताया जा रहा है कि साइंस को कैसे अच्छी तरह से और पढ़ाएँ, साइंस को कैसे रोचक तरीके से बताएं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा क्यूरियसली उनको देखेंगे और विज्ञान को समझेंगे। हम लोग दरअसल करते क्या हैं कि जब मुंडेर पर जो चिड़िया बैठी होती है, बच्चा उसको देख के समझना चाहता है कि उड़ते कैसे हैं, लेकिन हम उसे किताब में जो 2 डायमेंशनल चिड़िया का पिक्चर है वो दिखा के समझाना चाहते हैं कि चिड़िया उड़ती कैसे है। तो यहीं पर मुझे लगता है एक फ़र्क आ जाता है। हम चाहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग हो। जैसे कन्फ्यूशियस ने कहा था कि मैं अगर सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो मैं याद रखता हूँ, मैं करता हूँ तो मेरी समझ में आता है। तो ये अप्रोच जो साइंस की पढ़ाई में है कि बच्चों कुछ को कुछ करने दें और उस करने से वो सीखें, तो मुझे लगता है कि हमारी साइंस टीचर कहीं जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।